हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके। हम यूजुअली लाइव स्ट्रीम ज़्यादा करते हैं, तो गाइस वीडियो लेके आ गया हूँ। आप लोगों में से बहुतों ने बोला था कि हमको सिखा दो भैया थंबनेल बनाना थोड़ा बहुत। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे, यूट्यूब पे सर्च करने से थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो गाइस वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मतलब प्रो थंबनेल्स होते हैं। तो हमारी तरह गाइस सिंपल वे में एकदम भाई एक एप्लीकेशन के मदद से, ओनली वन एप्लीकेशन के यूज़ से, ना ही पिक्सल ऐप, ना ही कोई मतलब PS जैसा डिफिकल्ट एप्लीकेशन, कोई भी मतलब टफ कम नहीं है, एकदम 5 मिनट में हो जाएगा थंबनेल तैयार एकदम आप लोगों का, ठीक है? एकदम इजी हुए, एकदम सिंपल हुए। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में मैं अच्छी तरीके से एकदम समझा दूंगा, ठीक है? एंड तक देखना, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं। तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर ज़रूर करना, और गाइज चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो यार, हमारा 2K बहुत ही क्लोज है, तो सब्सक्राइब करके करवा दो यार 2K। हाँ, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ आप लोग हमारा चैनल देख सकते हैं, चैनल पे देखिए हम लोग ने जो थंबनेल यूज़ किया है, तो वो मैंने खुद बनाया। तो गाइज़ आप लोगों को यही थंबनेल जो लाइव स्ट्रीम पे यूज़ कर रहे हैं उसी को रिक्रिएट करेंगे आज, ठीक है? तो इस वीडियो में वही देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम पिक्सआर्ट जो एप्लीकेशन है। गाइज हम ये थंबनेल पिक्सआर्ट के मदद से बनाएंगे। तो उससे पहले गाइज आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए बैकग्राउंड फॉर यूट्यूब थंबनेल्स। आप किसी भी बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हो थंबनेल बनाने के लिए, एक बैकग्राउंड, या फ्री फायर का यूज़ करिए, पबजी का है तो पबजी का, किसी भी थंबनेल के लिए मतलब कोई भी बैकग्राउंड आपका जो मनपसंद। मैं यूजुअली आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड मतलब ये देखिए आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करो, ये देखो ऐसा मस्त मस्त बैकग्राउंड जो मैं अपने वीडियो में भी अपने थंबनेल्स में लगाता हूँ। तो बैकग्राउंड एक कोई सा भी ले लो, ठीक है? सिंपली कोई सा भी बैकग्राउंड एक जो आपको पसंद है, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे पिक्सआर्ट पे। पिक्सआर्ट गाइज आपको ऐप स्टोर पे या गाइज प्ले स्टोर पे हर जगह मिल जाएगा, ठीक है? आपको पता है पिक्सआर्ट। तो चलो, तो गाइज एक बार आप लोगों को ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो गूगल से कोई भी बैकग्राउंड पिक, जैसे मैंने ये वाला पिक ले लिया, ठीक है? तो आप लोग भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया था। तो गाइज जाना है टूल्स पे जाके क्रॉप करना, क्रॉप पे जाना है, ऊपर देखो क्रॉप लिखा है, तो राइट नीचे की तरफ राइट में स्वाइप करके देखो यूट्यूब ढूंढना है, ठीक है? यूट्यूब वाला क्रॉप ही यूज़ करना, ठीक है? क्योंकि ये यूट्यूब थंबनेल है, ठीक है? आप अगर यूट्यूब थंबनेल बना रहे तो यूट्यूब जैसा मतलब आपको पूरा साइज चाहिए होगा, तो साइज भी अवेलेबल है पिक्सआर्ट पे। तो गाइज ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन देख लेना यार, पूरा ट्यूटोरियल बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? तो हमने तो कर लिया, तो चलो क्रॉप हो गया, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा लाइट कलर, मतलब कलर थोड़ा सा फीका है, थोड़ा सा अच्छा कर देते, थोड़ा सा ब्राइट लुक आ जाएगा, फिल्टर लगा देते, ठीक है? तो आप लगा भी सकते हो ना भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो ये लगा लिया, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट, मतलब जो भी काम है। अभी फाइनली हमारा पूरा बैकग्राउंड पिक जो है रेडी है, अभी हमें करना है इस पर काम, ठीक है? तो चलिए इस पर करते हैं अभी काम। तो गाइज जैसे कि हमने हमारा बैकग्राउंड फोटो हो गया, अभी PNG ऐड करना है, तो ऐड फोटो पे जाके मैंने PNG ऐड कर लिया, जो कि मेरे कैरेक्टर्स के PNG है फ्री फायर के। तो जो कुछ भी PNG आप लोगों को बनाना अगर नहीं आता ऐसे PNG, तो आप YouTube पे देख सकते हो कैसे कैरेक्टर का PNG बनाते हैं, ठीक है? आपको पता ही होगा PNG कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड को इरेज करके PNG बनाया जाता है। तो मैंने PNG ऑलरेडी बना के गैलरी में सेव था, जो PNG वही PNG इसका इस्तेमाल करूँगा इसमें वीडियो पे। तो गाइज चलो अभी दिखाते हैं, अभी ऐड फोटो पे जाके हमने PNG ऐड कर लिया। तो अभी PNG को क्या करने होंगे, सिंपली हम लोग PNG को जो है एकदम जगह पे बैठाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले मतलब जो दिखाया था फोटो वैसे ही सेम टू सेम जगह पे बैठाएंगे। तो अभी हम करते हैं और लोग को थोड़ा सा इधर लाते हैं, ठीक है? तो हर एक जगह पे आराम से PNG को बैठा देंगे। तो गाइस PNGs को हम एकदम परफेक्टली बैठा लेंगे, ठीक है? जैसे कि अभी अलोक का ये जो PNG है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉप करके थोड़ा बैठा लिया, फिर और एक PNG ऐसे ही सभी PNGs को परफेक्टली 3-3 करके बैठा लेंगे, उधर 3 इधर 3, ठीक है? और इसको हम ऊपर वाला जो आप लोग देख रहे हैं बर्फी टाइप का कुछ देख रहे हैं ना, तो उसको ही डबल बर्फी जो है उधर वैसे आइकॉन पर टैप करेंगे और मूव डाउन करेंगे, मतलब अलोक वाला जो PNG है उसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे और इनको नीचे, अलोक के नीचे, ठीक है? अलोक वाला PNG के नीचे, ठीक है? तो हम लोग ऐसे करके सारे PNGs को बैठा लेंगे जगह पे, जल्दी जल्दी बैठा लेता हूँ क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? अभी जाएंगे हम बैकग्राउंड में, मतलब उस किसी हर एक PNG का जो शेडो दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि शेडो देने से थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखेगा। तो शेडो को करना है हमको ब्लर को ज़्यादा कर देना, आपके हिसाब से मनपसंद शेडो जैसे भी देना चाहते हो आप लोग। पोजिशन को बस 1 पे या 0 पे रखना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पे, ठीक है? पोजिशन हेरा फेरी मत करना, और ब्लर को अपने मन मुताबिक दे दो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, आपका मर्जी शेडो दो ना दो, मैं देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है,
ठीक है, हर एक फोटो के नीचे शेडो और शेडो का जो इफेक्ट होता है वो जरूर दे देना, तो थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है। और गाइस सेम टू सेम प्रोसेस देखो, हर एक पीएनजी को मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्रॉप करके, इसको भी पीछे भेज दूंगा लॉक के, तो ऊपर वाला वो जो बर्फी जैसा बना हुआ है डबल, तो उस पर टैप करो और उस पर मूव डाउन कर दो इसी पीएनजी को। तो गाइस देखो ये वाला पीएनजी भी चला गया नीचे, और आपको ये एडजस्ट खुद करना है किस कैसे साइज में करना है, ठीक है। मैं जो पिक बना मतलब जो थंबनेल बना रहा हूँ उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आपका थंबनेल शायद अलग टॉपिक पे हो सकता है, तो अलग टॉपिक का थंबनेल पर अलग बना लेना, ठीक है। तो चलो गाइस हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड, नहीं तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस सब कुछ होने के बाद ऊपर ओके कर देना जो टिक मार्क आता है, तो हमारा ये सेव हो चुका है, हमारा फाइनल जो पीएनजी का काम है हमारा थंबनेल का तो वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको जाना है ये व्हाइट मतलब ड्रॉप है, क्योंकि ये वीएस जो लिखा है वर्चस, तो इसको हम मिटाएंगे क्योंकि ये थोड़ा फीका है, तो हम लोग ये ड्रॉप है तो यहाँ पे हम कलर चूज़ करना व्हाइट, ठीक है। अभी इसको ब्रश को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, ब्रश चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है ना मिटा देंगे, वीएस को हम खुद लिखेंगे अपने हाथों से, समझे, अपने हाथों से एकदम भाई खुद का बनाएंगे भाई, क्यों पूरा दूसरों का नहीं लेना है। तो गाइस चलो इसका वीएस जो है इसको पूरा व्हाइट करके हम मिटा देते हैं, क्योंकि यार मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ज़्यादा मतलब स्क्रीनशॉट है ना तो फट गया है थोड़ा, समझ रहे हो। तो गाइस चलो इसको ओके कर देते, हो गया मिट गया, अभी इसको हम लिखेंगे खुद अपने अपने मनपसंद मतलब, ठीक है। तो टेक्स्ट अभी इसको ओके कर दिया, अभी जाना है सिंपली टेक्स्ट पे, जो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा टेक्स्ट कटआउट के साइड में टेक्स्ट, तो भी एस लिखेंगे इसमें मतलब वर्चस। तो गाइस चलो भी लिखते पहले, तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, अगर आप लोगों को भी कोई मतलब पिक्स में अगर गायब करना कोई सीन तो ड्रॉ करके आप गायब कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका वीएस गायब कर दिया तो आप लोग भी गायब कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कलर दे देते येलो, मतलब आप लोग अपना मनपसंद दे देना, ठीक है, कलर वलर ये सब सिखाने वाला तो हो नहीं, तो अपना मनपसंद दे देना। चलो वीएस दे दिया, तो इसको स्ट्रोक दे देते थोड़ा सा मतलब, समझ लो, तो चलो ये तो थोड़ा बहुत सही है, तो ये ऐसे ही देंगे अभी स्ट्रोक दे देते हैं। अभी कलर अपना मनपसंद से जल्दी जल्दी आप दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर हम टेक्स्ट अगले टेक्स्ट के तरफ चलेंगे, तो जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। तो गाइस अभी ये तो हो गया, अभी इसको इसी पिक को टैप करो, टैप करके हम ग्रेडियंट दे देते, ठीक है, कलर पे जाना है, फिर ग्रेडियंट दिख रहा होगा आपको, ग्रेडियंट पे जाना है। आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे यार, पहले पहले थोड़ा डिफिकल्टी फील होगा लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर हमने ग्रेडियंट दे दिया इसको वीएस को, फिर अभी हम एस लिखेंगे एकदम, ठीक है, फिर हमें भी तो हो गया पूरा, और हमने इसको ग्रेडियंट दे दिया, अभी एस लिखते हैं, ठीक है, एस भी तो लिखना है वर्चे से। तो गाइस चलो हम लोग एस भी लिख दिया, तो इसको भी सेम भाई स्ट्रोक दे देंगे बैकग्राउंड में थोड़ा सा, अगर आप देना चाहते हो मतलब शेडो टाइप का शेडो इफेक्ट भी दे सकते हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको तो सिखाना नहीं पड़ेगा टेक्स्ट के पीछे शेडो वगैरह, शेडो देने से थोड़ा सा अच्छा दिखता है मतलब उभर के आता है पिक, समझ लो। तो गाइस चलो अभी एस भी लिख दिया हमने, इसको भी सेम भाई उसी तरीके से शेडो दे देते, ठीक है, तो भी एस हो गया। चलो ये वाला हमने रिक्रिएट तो कर लिया है अपना अपना मतलब अपने स्टाइल पे, ठीक है, और टेक्स्ट का जो फ्रंट है ना वो आपको इधर ही मिल जाएगा टेक्स्ट के फ्रंट पे, तो इसको भी सेव कर लिया अभी। तो गाइस अभी बाकी फ्रंट्स पे काम करते हैं, अभी बेस्ट वाला फ्रंट अभी बेस्ट लिखना है, इसे बेस्ट भी बेस्ट देना है ना। तो गाइस हम कोई सा भी मतलब यूज़ कर सकते हैं फ्रंट हम यूज़ करेंगे, कौन सा फ्रंट, लकीएस्ट गाय वाला फ्रंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना मनपसंद फ्रंट यूज़ कर सकते हो। पिक्सल पे जो अवेलेबल होता है एक्स्ट्रा फ्रंट ऐड नहीं कर सकते, जो अवेलेबल होता है उसी में से यूज़ कर लेना। और अगर आपको इससे प्रो थंबनेल बनाना सीखना है अच्छा और भी, तो पहले इस स्टेप को सीख लो इजी थंबनेल्स, उसके बाद प्रो जाना, ठीक है। और इसको हम कलर तो दे दिया देखो येलो कलर, और भाई हमें स्ट्रोक भी दे दिया, अभी थोड़ा सा ग्रेडियंट देंगे, ग्रेडियंट कलर पे टैप करने से आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ग्रेडियंट हम ऑरेंज देते हैं, ऑरेंज एंड येल्लो परफेक्ट दिखता है, ठीक है, तो ऑरेंज एंड येल्लो हमने दे दिया, एकदम मस्त सा दिख रहा है, एकदम बढ़िया सा, ठीक है। फिर हम ऊपर के बर्फी का जो आइकॉन है जैसे दिख रहे हो उधर टैप करके डुप्लीकेट बना देंगे, और एक डुप्लीकेट बना लिए, इसको हम अलग कलर करेंगे, अभी इसको हम करेंगे ब्लू कलर, ठीक है, डुप्लीकेट सेम टू सेम बना लिया यार डुप्लीकेट, नहीं तो आप अगेन से कौन टेक्स्ट लिखेगा फिर से, ज़्यादा लंबा होगा वीडियो। तो गाइस जैसे भी थोड़ा बहुत वीडियो लंबा जा रहा है, कोई ना गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार, आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो सिखाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही ना, तो 10 मिनट का शायद 10-12 मिनट का वीडियो बन जाए, कोई ना यार देख लेना, ठीक है, आप लोग अच्छे से सीख जाओगे एटलीस्ट। और चलो इसको भी कलर कर देते हैं जल्दी जल्दी, फर्स्ट फॉरवर्ड कर देते हैं यार, जैसे टेक्स्ट लिखना है और आपको कलर अपना मनपसंद से ग्रेडियंट दे सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो यार, सब कुछ तो आपको पता ही होगा कलर वाला है, ठीक है। तो गाइज अभी हम बाकियों के फ्रंट को भी लिख लेंगे जो नीचे लिख रहे हैं, तो फ्रंट आप फ्रंट सॉरी टेक्स्ट को भी लिख लेंगे, ठीक है,
और फ्रंट अपने मन मुताबिक लगा सकते हो, जो भी मन चाहे। यहाँ पे फ्रंट है, टेक्स्ट है, ठीक है, स्ट्रोक लगा सकते हो। बैकग्राउंड में तो आप लोग थोड़ा सा शेडो दे सकते हो, वो अपना मन मुताबिक गाइस, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मेरा जो सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ, आपको जो सही लगा, मैं बस थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी प्रैक्टिस मैचेस का भी जो नीचे का फ्रंट है थोड़ा सा अलग फ्रंट देंगे इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, रुको भाई। इसका लिख दे सिग्मार 1 दे देते, चलो इसको फ्रंट हो गया। अब इसका सब रेडी है, मतलब इसका थोड़ा कलर वाला, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडो दे देते। शेडो थोड़ा सा रखने से क्या होता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखता है। चलो इसको, ये भी हो गया हमारा पूरा, मतलब पीक ऑलमोस्ट सेव, मतलब हो चुका है सेट पूरा, ठीक है। पूरा जो थंबनेल है पूरा रेडी है गाइस, देख सकते हो पूरा थंबनेल ऑलमोस्ट 99% खत्म है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम ऐड कर रहे हैं एक फ़ोटो जो मुझे पर्सनली पसंद है, ग्रेडियंट टाइप का, मतलब एक ऊपर में एक्स्ट्रा एक लुक देता है। अगर ये पिक आपको चाहिए तो आप लोग कहीं पे भी मिल जाएगा अगर आपके पास है, नहीं तो भाई आप लोग क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो ऐसे पिक्स, नहीं तो भाई मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे बोल देना, मैं ये फोटो दे दूंगा आप लोगों को। ये बैकग्राउंड में मैं यूज़ मतलब ऊपर की तरफ यूज़ करूँगा एक, मतलब लेयर की तरह। तो इसको, इसके लिए इसको सेट कर लेते हैं पूरा परफेक्टली, और यहाँ पर जाएंगे हम ब्लेंडिंग पे, ब्लेंड जो ऑप्शन है, ब्लेंड पे जाके हम ओवरले पे सेट करेंगे। देखो ब्लेंड पे गए, फिर ओवरले सेट किए, फिर ठीक है ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी थोड़ा सा ओपेसिटी पे आके थोड़ा सा ओपेसिटी को थोड़ा लो करेंगे, 76-77 के आसपास, मतलब ओपेसिटी रख लेंगे इसका, ठीक है, इसी का। तो गाइस ऑलमोस्ट खत्म, चल लो गाइस पिक हमारा रेडी, ऑलमोस्ट एकदम ब्लड डन पिक पूरा, मतलब थंबनेल का जो एडिटिंग था हो चुका है। और गाइस ऐसे थंबनेल अगर बनाना है तो बना लो पूरा पिक, मतलब वीडियो को देखो। और गाइस थोड़ा सा कलर, मतलब इफेक्ट अगर देना चाहते हो आप लोग कोई भी, मतलब थोड़ा सा, मतलब कलर को थोड़ा सा सिचुएशन जो है, मतलब थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं ना। तो हो चुका है, चलो भाई फिनिश एकदम भाई। और भाई हमारा अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करो यार, करो 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 गाइज, करो कम ऑन गाइज, हमारे 2K हिट करवा दो यार। चलो जाके अभी सेव आराम से कर लो, सेव, ठीक है, गैले